सरसों की फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। साथियों, बुआई के समय 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो साथियों, सरसों की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए जीवांशयुक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी गई है। खेत की तैयारी। साथियों, इसके लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेवे। उन्नत किस्म का सिलेक्शन करें। साथियों, सरसों की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए आप हमेशा उन्नत किस्म का ही सिलेक्शन करें, जैसे RS 725, Pioneer 45S 46, Pioneer 45S 42, Pioneer 45S 35 या Shriram 1664, Pro Agro 5210, बायर की Pro Agro 5222 या Rashi 1604। इन वेराइटियों में से आप किसी भी वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बुआई का समय। साथियों, सरसों की बुआई का उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अच्छा माना गया है। साथियों, वैसे तो सरसों की बुआई हम 15 सितंबर से शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय टेम्परेचर अधिक होने के कारण हम बुआई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी बुआई 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य करना अच्छा माना गया है। अब बात कर लेते हैं आवश्यक बीज दर की। साथियों, 1 से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आप काम में ले सकते हैं। बुआई की विधि। साथियों, अक्सर किसान इसकी बुआई लगभग 2 प्रकार से करते हैं, एक छिटका विधि से और दूसरा लाइनों में। अगर हम लाइनों में बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीजों को साथियों 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। अगर हम अधिक गहराई में बोएंगे तो बीजों का अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। किसान साथियों, सरसों की पैदावार में मुख्य भाग होता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। अगर हम समय पर सही मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो सरसों की फसल से हम बम्पर पैदावार ले सकते हैं। साथियों, सरसों की फसल एक तिलहनी फसल है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सरसों में लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस व 30 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट सबसे अधिक या सबसे बेमिसाल फर्टिलाइजर हैं, सबसे कारगर फर्टिलाइजर हैं। इसमें लगभग 16% फॉस्फोरस, 12% सल्फर और 19% कैल्शियम पाया जाता है, जबकि साथियों DAP में केवल 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। साथियों, फसल में फॉस्फोरस जड़ों की वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। इससे पौधा मजबूत होता है, नीचे नहीं गिरता है, पौधा स्वस्थ रहता है। साथियों, सल्फर तिलहनी फसलों में तेल की वृद्धि करता है, यूं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नाइट्रोजन पौधों की वनस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में पाए जाने वाला कैल्शियम फलियों की संख्या बढ़ाता है और फलियों में दानों की संख्या बढ़ा देता है। अतः किसान साथियों, सरसों की फसल में सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग करने से न केवल पैदावार क्षमता बढ़ती है बल्कि हमारी लागत में भी कमी आती है। अब साथियों, बात कर लेते हैं सिंचाई की। साथियों, सरसों की फसल 2 या 3 सिंचाइयों में हो जाती हैं। अगर आपके पास 3 सिंचाइयां हैं तो पहली सिंचाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करें, जब हमारी फसल में फुटान शुरू हो जाए। और इसी समय साथियों लगभग हमें प्रति बीघा 20 किलो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, इसी समय हमें NPK 19:19 लगभग 50 से 75 ग्राम प्रति टंकी उपयोग करें, जिससे पौधों में फुटान अधिक संख्या में निकलेगी। इसके अलावा साथियों, जब हमारी फसल लगभग 40 से 60 दिन की अवस्था में हो जाए, उस समय हमें दूसरी सिंचाई करनी है। और इस समय साथियों, जब हमारी फसल में फूल आ जाए और फूल पूरी तरह से झड़ने लग जाए और फलियां बनने लगें, उस समय हमें दूसरी सिंचाई करनी है। इसके अलावा साथियों, इसी समय अगर हो सके तो NPK 05:34 लगभग 50 से 75 ग्राम प्रति टंकी स्प्रे करें, इससे हमारी फलियों में दानों की संख्या बढ़ जाएगी, दाना बड़ा होगा और दाना चमकदार आकर्षक बनेगा। साथियों, सरसों की फसल में अगर आपके पास तीसरी सिंचाई उपलब्ध है तो आप, जब हमारी फसल लगभग 80 से 95 दिन की हो जाए और फलियों में दाना बनने लगे, तब करें। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।